जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले बीएल एजुकेशन मोटिवेशन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और सभी को इस व्यक्ति के ऊपर गर्व है। तो दोस्तों, कौन है ये रिंकू सिंह राजपूत उर्फ वीर महान? चलिए हम इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1988 को गोपीगंज के दोलपुर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था तथा ये WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर ये खिताब जीता है। और ये बहुत ही एक मुश्किल वाला खेल इसको माना जाता है, रेसलिंग को पहलवानी वाला गेम इसको माना जाता है, जिसके अंदर द ग्रेट खली के बाद में इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों हम बता दें, रिंकू सिंह है जिन्होंने कई सारे मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं भदोही और लखनऊ के अंदर। इसके बाद में 2007-08 के अंदर द मिलियन डॉलर आर्म नाम के एक टैलेंट शो के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था और इस टैलेंट शो के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय बाला प्रतियोगिता के ये विजेता बने थे। इन्होंने बाला फेंका था और इन्होंने अपना कैरियर है जो बाला फेंकने से शुरू किया था, उसके बाद में ये बेसबॉल का गेम है जो खेला था और अमेरिका की बेसबॉल टीम के अंदर इनको चुना था, जहां पर 10 साल तक इन्होंने बेसबॉल गेम खेला था। लेकिन दोस्तों 2018 के अंदर WWE कंपनी के साथ ये WWE की NXT नेक्स्ट रिंग में कुश्ती लड़ रहे हैं। और दोस्तों अभी इन्होंने हाल ही के अंदर, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, इनके ऊपर रिंकू सिंह के ऊपर 2014 में एक फिल्म बनकर रिलीज हुई थी और अमेरिका में मौजूद रिंकू सिंह उर्फ वीर महान, इन्होंने टेलीफोनिक वार्ता में भी ये अपना जो श्रेय है अपने माता पिता को इन्होंने दिया था। और अभी वर्तमान के अंदर इन्होंने बहुत ही ये जो अपनी जो कैरियर है, ये कैरियर इन्होंने अपना बहुत ही कष्टपूर्ण और एक छोटे से गांव से निकल कर इन्होंने यहाँ तक WWE का एंटरटेनमेंट का खिताब जीतना एक छोटी बात नहीं है। और ये अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता को श्रेय देते हैं और ये बोलते हैं कि आप जिंदगी जो है वो बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर आपके सामने कई सारी बाधाएं, कई सारी परेशानियां आएगी और आपको इनसे घबराना नहीं है और आपको इनको चीरते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है और अपने जिंदगी के अंदर अपना लक्ष्य टारगेट होना चाहिए और इन बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य टारगेट तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि एक कहावत के अंदर कहा गया है कि जो डरा वो मरा। तो दोस्तों ये थे रिंकू सिंह उर्फ वीर महान, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक भाला फेंक प्रतियोगिता से शुरू किया था, उसके बाद में बेसबॉल और फिर 2018 के अंदर WWE के अंदर ये रिंग के अंदर NXT के मैच खेले थे और अभी हाल ही के अंदर इन्होंने WWE की जो राव चैंपियनशिप है इनके अंदर इन्होंने अपना एंटरटेनमेंट का जो खिताब है ये जीता है WWE का और इन्होंने इसके ऊपर WWE कंपनी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किया है और इन्होंने अपना देश का नाम ऊंचा किया है, अपने समाज का नाम ऊंचा किया है, अपने माता पिता का सीना गर्व से ऊंचा किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी, एक छोटी सी कहानी, आप इसको अपनी जिंदगी के अंदर उतारेंगे और अपने टारगेट को सामने रखकर बिना बाधाओं से घबराए हुए एक छोटी सी जगह से अगर एक इतनी बड़ी जगह पर अगर एक सामान्य व्यक्ति पहुंच सकता है तो आप एक अपना टारगेट हासिल जरूर कर सकते हैं और जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।